हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं ये चिक्स को ड्रॉ करने वाला हूँ और इसका जो ओल्ड मैन का टेक्सचर है ये हम ड्रॉ करेंगे। मैंने ऑलरेडी टू पार्ट अपलोड कर रखे हैं, जिसमें मैंने फोरहेड, नोज एंड आईज को ड्रॉ करना बताया था, तो इसमें हम ये साइड के चीक्स ड्रॉ करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में 2B पेंसिल से करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो भी स्किन का टेक्सचर रहता है, तो यहाँ पे मैं सिलवटी यूज कर रहा हूँ। सिलवटी रहती हैं चेहरे पे, ओल्ड मैन का जैसा चेहरे का टेक्सचर रहता है, फेस का टेक्सचर रहता है, वो फेस के टेक्सचर की जो सिलवटे हैं वो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा 2B पेंसिल का यूज करके। तो ये ड्रॉ हो जाने के बाद मैं 5H पेंसिल का यूज करूंगा एंड जो नोज के साइड में शेडिंग करना स्टार्ट करूंगा मैं चिक्स में। तो बिल्कुल लाइटली आपको शेड करना है और यहाँ पे मैं 5H पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। शेड हो जाने के बाद हम मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड करेंगे स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए। ब्लेंड मैंने कर दिया है अच्छे से एंड उसके बाद मैं फिर से 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ डार्क वैल्यूज बढ़ाने के लिए। जो वैल्यूज हमको चाहिए रहेंगे अपने ड्राइंग में वो हम लाइट टू डार्क जाएंगे, एकदम से डार्क नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे 2B पेंसिल का मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। जो फेस पे स्पॉट्स रहते हैं एंड डार्क सी वैल्यूज हमको दिखती हैं, थोड़ी थोड़ी सी जो पॉइंट्स वगैरह रहते हैं फुंसी के रहते हैं, तो जैसा स्किन टेक्सचर रहता है ओल्ड मैन का वैसा मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। देन सबसे छोटे साइज का ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करके जो मैंने पॉइंट्स रखे हुए थे उनको मैं ब्लेंड करूंगा। इससे क्या है, एक रियलिस्टिक लुक आएगा एंड जो पॉइंट्स वगैरह रहते हैं जैसे फुंसी वगैरह रहती हैं तो उनकी एक बेस लेयर क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैं 2B पेंसिल का यूज करके जो डेप्थ वाला पार्ट है यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीमली डार्क है वहां पे मैं लेयरिंग का यूज करूंगा। सबसे पहले 2B पेंसिल का यूज करूंगा लाइट प्रेशर के साथ, देन उसके बाद मैं 8B का यूज करके उसको शेड करके ब्लेंड करूंगा। एंड मेक श्योर कि जो आप पेंसिल यूज कर रहे हो वो लाइट टू डार्क आप यूज करें एंड उसको आप पीछे से पकड़ कर यूज करें। अगर आप पीछे से पकड़ कर यूज करेंगे तो और ज्यादा आपको लाइट वैल्यूज देखने को मिलेंगी। तो मैंने शेडिंग हो जाने के बाद मैं मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंडिंग करता हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। इसे ब्लेंडिंग हो जाने के बाद मैं 8B पेंसिल का यूज करके यहाँ पे शेडिंग कर दी है एंड अब जो मैंने सिल्वरटेड ड्रॉकिंग थी उनको मैं थोड़ा डार्क करूंगा, उनकी वैल्यूज मैं बढ़ाऊंगा। उसके अराउंड जो सिलवटे के अराउंड वाला एरिया रहता है, आसपास वाला एरिया रहता है, वहाँ पे जो थोड़ी बहुत शेडिंग करूँगा, इससे क्या है मुझे हेल्प होगी आगे स्केच को प्रोसेस करने में। एंड जो मैंने शेडिंग कर रखी थी साइड वाले पोर्शन में, वहाँ पे मैं 5H पेंसिल का यूज करके 8B पेंसिल की शेडिंग के ऊपर शेड करूँगा। इससे क्या है डार्क वैल्यूज मिलेंगी, अगर हम डार्क पेंसिल के ऊपर लाइट पेंसिल को शेड करेंगे तो हमको डार्क वैल्यूज मिलती हैं। देन फिर से मैं 8B पेंसिल का यूज करके जो भी मैंने स्पॉट्स बनाए थे या जो फुंसी के टेक्सचर बनाया था उसको मैं डार्कन करूंगा 8B पेंसिल का यूज करके। एंड मैं यहाँ पे बैटरी रेजर का भी यूज करूंगा हाईलाइट करने के लिए। तो जो मैंने स्पॉट्स रखे थे 8B पेंसिल का यूज करके उसके बिल्कुल पास में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इससे क्या है 3D लुक आता है और वहाँ पे डेप्थ हमको समझ में आती है, हाईलाइट समझ में आते हैं, इससे स्किन टेक्सचर लगने लगता है और काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा फेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो राइट साइड वाला पोर्शन है फेस का ये भी मैं कंप्लीट कर दूंगा सेम ट्रिक का यूज़ करके। तो बस आपको इस तरीके से स्केचेस प्रोसेस करना है, आपको एकदम से डार्क नहीं करना है, आपको बिल्कुल वैल्यूज़ के साथ जाना है। बिल्कुल लाइट पेंसिल का आप यूज़ कीजिए, शेडिंग कीजिए, देन उसके बाद आप थोड़ा टेक्सचर बनाने की कोशिश कीजिए, फिर उसके ऊपर वर्क कीजिए, फिर उसके ऊपर थोड़ा काम कीजिए। तो इस तरीके से आप स्केच प्रोसेस करेंगे
तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके के मिलेंगे। तो ये पार्ट थर्ड था, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको देखना है, जिसमें मैंने फॉरहेड, नोज एंड आइज को ड्रॉ करना बताया था। और इस पार्ट में हमने आधे फेस को कंप्लीट कर लिया है, एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके पूरे फेस को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें मुस्टैचे, बियर्ड एंड लिप्स रहेंगे, वो हम कंप्लीट फेस को ड्रॉ कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।